दोस्तों, एल्काइन्स की मैं अगर बात करूं तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो CH3, C, CH, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है इसके अंदर। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो आपको समझ जाना है कि एक एल्काइन है। और इसका जो नाम फिर दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, IUPAC नेम अगर इसका लिखें तो वो होएगा प्रोपाइन। आइन इसीलिए लगा पीछे क्योंकि एल्काइन है ये, और प्रोप इसीलिए लगा क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। अगर ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।